हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। स्कूल छोड़ 2 साल की मजदूरी, अब है रेवतर उपखंड अधिकारी। अभाव में पढ़ रहे विद्यार्थियों के प्रेरणा स्रोत बने दूधाराम नागाणी। गांव रामपुरा धोरीमन्ना जिला बाड़मेर के दूधाराम अभावों और संघर्षों का सामना करते हुए बिखरे नहीं, बल्कि वर्ष दर वर्ष निखरते गए और आज सिरोही जिले के रेवतर उपखंड अधिकारी के रूप में पद स्थापित है। भाई बहनों में केवल दूधाराम ही स्कूल की दहलीज तक गए और स्कूल शिक्षा के बाद स्वयं पाठी के रूप में पढ़ते हुए सफलता को मिसाल कायम की। परिवार में पढ़ाई का कोई माहौल नहीं था, मजबूरी में उन्होंने मेहनत मजदूरी तक को लेकिन हिम्मत नहीं हारी। कक्षा 1 से 10 को पढ़ाई अरणियाली स्कूल में पूरी की। आर्थिक स्थिति के कारण 8वीं कक्षा के बाद एक बार पढ़ाई तक छोड़ दी थी, लेकिन शाला स्टाफ ने सहयोग कर उन्हें आगे पढ़ाया। यह जीवन में एक निर्णायक मोड़ था, क्योंकि यदि शिक्षकों ने इनके प्रतिभा को नहीं पहचाना होता तो शायद वे आज कहीं मजदूरी ही कर रहे होते। कक्षा 11वीं से 12वीं की पढ़ाई स्टेशन रोड बाड़मेर में पूरी की। 12वीं कला वर्ग में राज्य मैसिस्ट में 13वीं स्थान प्राप्त किया। बाद में प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाकर जोधपुर में मजदूरी करके स्वयं का खर्च निकाला और स्वयं पाठी के रूप में बीए और एमए की पढ़ाई की प्रतियोगी परीक्षाओं की व्यवस्थित तैयारी करने का ऐसा जुनून सवार हुआ कि पिछले 14 वर्षों से वे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करते रहे। संघर्षों से बिखरे नहीं, बल्कि निखर कर बने आरएएस अधिकारी। पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए दूधाराम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने के प्रतीक बन गए हैं। 2003 में इंडियन नेवी, 2004 में राज्य पुलिस कांस्टेबल, 2006 में दिल्ली सरकार, लेकिन ज्वाइन नहीं किया। 2007 में राजस्थान में तृतीय श्रेणी अध्यापक में चयन होने पर राजकीय सेवा की शुरुआत की। 2008 में ग्राम सेवक व राज्य पुलिस उप निरीक्षक, 2009 में पटवारी, 2010 में दिल्ली पुलिस उप निरीक्षक में चयन हुआ, लेकिन ज्वाइन नहीं किया। 2012 में तृतीय श्रेणी में 493 रैंक से चयनित होकर नियुक्त हुए। इसी वर्ष में प्रधानाध्यापक परीक्षा में 403 रैंक से चयनित होकर पद स्थापित हुए। 2013 में व्याख्याता में 398 रैंक से चयन। 2012 व 2013 में आरएएस एलाइड सर्विस में अंतिम चयन, लेकिन ज्वाइन नहीं किया। वर्ष दर वर्ष परीक्षाओं में सफलता से उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया और उन्हें भरोसा था कि वह एक न एक दिन राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित आरएएस परीक्षा में सफल होंगे। 2017 में प्रधानाचार्य बने आरएएस परीक्षा 2016 में 21वां स्थान प्राप्त किया। मुख्य परीक्षा में बहुत अच्छे अंकों के आधार पर यह स्थान तय हो पाया, क्योंकि साक्षात्कार में उन्हें अच्छे अंक नहीं मिल पाए। आरएएस अधिकारी के रूप में नियुक्त 2019 में हुई। आरएएस के रूप में सिरोही, शिवगंज, रेवतर, पिंडवाड़ा में प्रशिक्षक के रूप में 6 माह का कार्यकाल पूरा किया। उसके बाद उपखंड अधिकारी गढ़ी लगाए गए। दूधाराम बताते हैं कि उन्होंने हर चुनौती का सामना मुस्तैदी के साथ किया और कभी अपने आप को मन से कमजोर नहीं होने दिया। अभाव में पढ़ रहे सभी विद्यार्थियों के लिए उनका संदेश है कि यदि वे इच्छा शक्ति को प्रबल बनाएंगे तो कोई भी मुकाम असंभव नहीं है। विपरीत परिस्थितियों का सामना करने का जनवा विकसित करना होगा, तभी जाकर ऊंचाइयां प्राप्त की जा सकती है। गरीबी और अभावों को बहुत करीब से देखा है, इसीलिए उनके मन में ऐसे लोगों के प्रति काम करने की इच्छा भी प्रबल है। जागरूक टीवी के लिए नागाणी से महेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट।